हेलो बच्चों, कैसे हैं? मेरा परमात्मा से दुआ है कि जो भी ना होगा वो अच्छे से होगा, परिवार के साथ और पढ़ाई भी कर रहा हूँ। बच्चों, हमने मैथिलर्जी के लेक्चर शुरू किए थे, आज हम मैथिलर्जी का लेक्चर नंबर 3 लेके आ रहे हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर। जब हम मैथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर पढ़े तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको, पहले कंसंट्रेशन का मतलब है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब है प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी। डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ इम्प्योरिटीज वेरियस मेथड्स आर यूज। एक मेथड मैंने आपको हैंड पिकिंग कराया था, एक मेथड मैंने ज्योरी स्टेशन कराया था, एक मैग्नेटिक स्टेशन कराया था। आज हम दो मेथड और पढ़ेंगे, एक है प्रोब रोटेशन और एक है लीचिंग। एक मेथड का नाम है प्रोब रोटेशन मेथड और दूसरा जो मेथड है उसका नाम है लीचिंग। बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ प्रोब रोटेशन, आप देखेंगे ध्यान से एक बार। प्रोब रोटेशन मेथड इंपॉर्टेंट मेथड है, ज्यादातर बात है किसी भी है मेथड्स के नाम इंपॉर्टेंट है। हम बात करें फ्लोट फ्लोटेशन, फ्लोट फ्लोटेशन मेथड, फ्लोट फ्लोटेशन मेथड काफी इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। फ्लोट फ्लोटेशन मेथड की बात करें तो सबसे पहली बात आती है फ्लोट फ्लोटेशन के अंदर कि ये मेथड यूज कब हो। जैसे हमने कहा था कि जो मैग्नेटिक सप्रेशन का जो मेथड था वो मेथड यूज हुआ था उस समय जब आइदर द ओर पार्टिकल्स और द इम्प्योरिटी हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, उस समय उसको यूज किया था। प्रोब रोटेशन क्या यूज हो, तो प्रोब रोटेशन मेथड इज यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स। ये जो मेथड है ये सल्फाइड ओर्स के लिए यूज होता है। जब सल्फाइड ओर्स के लिए यूज हो तो इसका प्रिंसिपल क्या है, बेसिक प्रिंसिपल क्या है, तो इसके जो प्रिंसिपल की बात करें प्रिंसिपल क्या है, तो इस मेथड का प्रिंसिपल है बेस्ड ऑन डिफरेंस इन वेटेबिलिटी ऑफ द ओर पार्टिकल्स एंड इम्प्योरिटीज। यानी कि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो वेटेबिलिटी का डिफरेंस है। वेटेबिलिटी मतलब बिगड़ना। यानी बिगड़ने के अंदर जो डिफरेंस है ना उस कवाब के ऊपर बेस, कैसे ये मतलब कहता है कि इसमें डिफरेंस है। आपके पास एक कोर था, कोर के अंदर दो चीजें थी, मान लो ये थे आपके पास कोर के पार्टिकल्स थे, ये और पार्टिकल्स थे, और जो ये पार्टिकल्स थे, ये जो पार्टिकल्स थे, ये पार्टिकल्स इम्प्योरिटी पार्टिकल्स थे, ये इम्प्योरिटी के पार्टिकल्स थे। तो जब आप इनको भिगोगे और के पार्टिकल्स और इम्प्योरिटी पार्टिकल्स, तो डिफरेंस ऑफ वेटेबिलिटी एग्जिस्ट करता है, वहां पर ही आप यूज करते हो प्रोब रोटेशन को। डिफरेंस ऑफ वेटेबिलिटी मीन्स कि भाई यदि और के पार्टिकल्स जो हैं वो ऑयल के अंदर वेट होते हैं, ऑयल के अंदर भीगते हैं, तो जो इम्प्योरिटी के पार्टिकल्स हैं वो वाटर के अंदर भीगते हैं, वो वाटर के अंदर डिजोल्व होते हैं, वाटर के अंदर भीग जाते हैं। अब बच्चा कहते हैं सर क्या है, तो सबसे पहली बात प्रोब रोटेशन मेथड कब यूज होता है याद रखें, यूज फॉर सल्फाइड ओर। प्रिंसिपल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल्स के ऊपर बात करें, बेस्ड ऑन डिफरेंस इन वेटेबिलिटी ऑफ ओर पार्टिकल्स एंड इम्प्योरिटीज। अब करते क्या है, प्रोसेस क्या है वो बात देखिए। तो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस जो है उस प्रोसेस की बात करते हैं, तो इस तरह का एक टैंक लेते हैं, ऐसा एक टैंक लेते हैं, इस टैंक के अंदर हम वाटर के अंदर, वाटर जो है ये आपके पास वाटर है, ये वाटर है, इस वाटर के अंदर और के पार्टिकल्स को डाल देते हैं, इम्प्योर जो था उसको डाल देते हैं, जिसमें और भी था और इम्प्योरिटी भी थी वो डाल दी। यानी ये आपके पास वाटर के अंदर जब आपने डाल दिया तो ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास बन गया सस्पेंशन ऑफ
सस्पेंशन, सस्पेंशन ऑफ द ओर बने, जो ओर है उसका सस्पेंशन बने। अब ये सस्पेंशन ऑफ ओर बन गया, जब ये सस्पेंशन ऑफ ओर बना तो इसके अंदर एक पैडल डाला जाता है, एक पैडल लगाया जाता है, पैडल लगा दिया एक, ये पैडल कुछ इस तरह का अप्रैटस है, ये एक पैडल लगा दिया। घरों में देखा होगा दूध बिलोने के लिए जो रई होती है, रई जिसको कहते हैं, वो रई है, यानी एक पैडल लगा दिया। अब ये पैडल लगा दिया, इस सिस्टम को हमने सील किया, ध्यान से देखें, इस सिस्टम को हमने सील किया है कुछ इस तरह से सील किया, ये जो सिस्टम था इस सिस्टम को हमने कुछ इस तरह सील कर दिया। जब इस तरह सील कर दिया, ये पैडल है, ऊपर एक मैकेनिकल स्पोर्ट लगाई, मैकेनिकल स्पोर्ट है, मैकेनिकल स्पोर्ट मीन्स कोई बोल्ट वगैरह लगाई है जो इस पैडल को रोटेट करवा सकती है। अब ध्यान से देखें बच्चों, यदि मैं इस मैटर को इस चार करते तो प्रेटस को मैं यू भी सील कर सकता था, यू बंद कर सकता था, लेकिन यू बंद नहीं, इसको हमने ऊपर से यू बंद किया है, एयर टाइट सील नहीं किया। यहाँ पर हम एक और आउटलेट डालते हैं, उस आउटलेट के अंदर से हम इसके अंदर डालते हैं क्या, पाइप, पाइप। अब देखो पाइप में डाल, तो क्या था इसके अंदर, प्रिंसिपल की जब बात कर रहे थे तो हम बताए थे कि प्रिंसिपल की जब हमने बात की कि और के पार्टिकल्स के अंदर और जो इम्प्योरिटी के पार्टिकल्स हैं उनके अंदर जो बेसिक डिफरेंस है वो किसका है, वेटेबिलिटी का। इम्प्योरिटी जो थी इसके अंदर वो सारे के सारे इम्प्योरिटी पानी में भीग गई, और भीगने के बाद वो बारी हो गई, वो सारी सारी क्या हो गई, नीचे बैठ गई, सारी इम्प्योरिटी नीचे बैठ गई, पानी के अंदर भीग गई और भीगने के बाद बारी हुई तो इम्प्योरिटी नीचे बैठ गई। यहाँ पर और के पार्टिकल्स पानी भीगे नहीं, तो वो भीगे नहीं तो उड़के रहे ऊपर से सारे सारे, रही सही काम इस पाइन मिल ने कर दिया। जैसे ही पाइन मिल आपने डाला इसके अंदर, तो और के जो पार्टिकल्स थे वो सारे पाइन मिल में भीग गए, और भीगने के बाद हल्के हो गए, वो हल्का होता है, वो हल्के हो गए तो वो सारे ऊपर आ गए। अब हमने इस पैडल को रोटेट किया, इस मोटर को ऑन किया, जैसे ही मोटर ऑन हुई ये घूमने लगी सारे सारे, हवा यहाँ से अंदर आने लगी, हवा यहाँ से सारे क्या आने लगी, अंदर आने लगी। सबसे आसान तरीका इसको समझने के लिए, एक जग ले लें, उस जग के अंदर साबुन का पानी डाल लें और एक लकड़ी से उस पानी को हिलाओ आप एक बार जोर से, क्या होगा, झाग बनेंगे, झाग बनेंगे तो झाग हल्के होते हैं, जो हल्के हो रहे थे तो वो सारे सारे एकदम से क्या होंगे, ऊपर उठ के आएंगे। तो यहाँ पर जैसे ही पैडल चलेगा यहाँ पर फॉर्मेशन शुरू होगी और ये सारे सारे प्रोथ बनकर ये सारे के सारे ऊपर उठ के आएंगे, ये सारे प्रोथ ऊपर उठ के आएंगे, इस तरीके ये क्या बन के सारे प्रोथ बने, प्रोथ हो और पार्टिकल्स, और के पार्टिकल्स के प्रोथ बने, और पार्टिकल्स के प्रोथ बने। हम इस अपरेटस को, इस अरेंजमेंट को यहाँ से खोलते हैं, इन फोर फ्रोथ जो थे इन फ्रोथ को हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, अलग कंटेनर के अंदर ये फ्रोथ सारे सारे क्या हो गए, सेपरेट हो गए, ये सारे क्या हो गए, फ्रोथ हो और फ्रोथ हो, इम्प्योरिटी सारी सारी कहाँ रहेगी, इसके अंदर रहेगी इम्प्योरिटी सारी इसी के अंदर रहेगी। हमारा ये तो काम था, हम यही तो करना चाह रहे थे, कंसंट्रेशन करना चाह रहे थे उनकी, यानी कि और के अंदर से इम्प्योरिटी रिमूव करना चाह रहे थे, इम्प्योरिटी सारी कहाँ रहेगी, तो सारे ऊपर आते। अब बात आती है सर कि यहाँ पर हम कुछ एक सब्सटेंस को डालते हैं, पहले तो यहाँ तक की बात देखा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, फ्रोथ रोटेशन प्रोसेस इज यूज फॉर सल्फाइड ओर्स, प्रिंसिपल क्या है, बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन वेटेबिलिटी ऑफ ओर पार्टिकल्स इन इम्प्योरिटी। अरेंजमेंट में क्या किया, सस्पेंशन बनाया ओर का, यानी ओर के पार्टिकल्स इम्प्योर जो होता है उसको पानी में डिजोल्व कर दिया, पानी में डिजोल्व कर दिया, तो जैसे ही पानी में भीगी इम्प्योरिटी जो थी उनका नेचर ऐसा था कि वो पानी भीग सकती थी, इम्प्योरिटी सारी सारी पानी भीग गई, पानी भीगने से क्या हुई कि बारी हो गई तो नीचे बैठ गई, जो पोर के पार्टिकल्स थे वो पानी भीगे नहीं, रही सही कसर पाइन ऑयल डाल दिया यहाँ से, उसने पूरी कर दी। पाइन ऑयल ने क्या किया आपके पास, पाइन ऑयल ने पोर के पार्टिकल्स को भिगो दिया, ऑयल लगा था सारे पोर के पार्टिकल्स ऊपर आ गए, जैसे ही ये मोटर रोटेट करने लगी, पैडल रोटेट करने लगा, सब के क्या बने, झाग बने पोर के पार्टिकल्स के, वो सारे सारे क्या हो गए, ऊपर आ गए उनको सेपरेट कर दिया, ये आपके पास कंसंट्रेट। अब यहाँ पर बच्चों छोटी छोटी बातें और पूछता है, यहाँ पर आपसे छोटी छोटी बातें और पूछ जाती है, क्या क्या पूछ जाती है मैं बता रहा हूँ, देखिए आप ध्यान से, आप देखेंगे फ्रोथ क्लोरेशन के अंदर ये कहता है आपको कि फ्रोथ क्लोरेशन जब आप मेथड पढ़ते हो तो फ्रोथ क्लोरेशन मेथड के अंदर आप बाहर से कुछ डालते हो, आप बाहर से कुछ डालते हो, पाइन ऑयल आपने डाला, एक तो क्या डाला, पाइन ऑयल, पाइन ऑयल ने क्या किया, जाग बनाने के अंदर काम किया और को भिगोया,
तो पाइरोल का काम क्या काम है, प्रोथिंग एजेंट है, जार बनाने का काम करता है, प्रोथिंग एजेंट सोडियम इथाइल जेंथेट्स, सोडियम इथाइल जेंथेट्स डालते होगा। ये क्या है क्रिसोल, ये सारे क्या है सोडियम इथाइल जेंथेट्स कलेक्टिंग एजेंट्स है, जारों को इकट्ठा करने में मदद करते हैं, कलेक्टिंग एजेंट्स। और आप क्या डालते हो, आप डालते हो क्रिसोल और एनिलिन, क्रिसोल एंड एनिलिन डालते हो। ये सारे के सारे क्या काम करते हैं, क्रिसोल एनिलिन ये फ्रोथ स्टेबलाइजर है। क्या मतलब है, आपने देखा, यहाँ से देखें आपने देखा बच्चों की जो फ्रोथ रोटेशन प्रोसेस थी उसमें हमने उस टैंक के अंदर, ये जो टैंक था इस टैंक के अंदर यहाँ से एक आउटलेट लगाया, उस आउटलेट के अंदर से आपने पाइन ऑयल डाला, पाइन ऑयल ने और के पार्टिकल्स को भिगो दिया, यानी प्रोथिंग एजेंट हो गया, जार बनाने में मदद करने वाला। सोडियम इथाइल जेंथेट्स डालते हो यहाँ से भी, सोडियम इथाइल जेंथेट्स डालते हो यहाँ से, ये सारे ओर्स को इकट्ठा करता है, कलेक्टिंग एजेंट्स है। क्रिसोल एनिलीन भी यहाँ से लगा जाता है, ये क्या करते हैं ग्रोथ स्टेबलाइजर। क्या मतलब ग्रोथ स्टेबलाइजर का, जार का आपने देखा होगा, जार की विशेषता है कि जार जो है वो क्षण बिंगुर होते हैं, यानी बढ़ते हैं और बढ़ते के साथ टूट जाते हैं। तो वो जार यदि बढ़े और जब तक पैडल रोटेट हुआ तब तक टूट के दोबारा से तो प्लग ही नहीं हो पाएगी। तो ये क्रिसोल और एनिलीन जो है ये उन जागों को स्टेबलाइज करने का काम करते हैं, इसे क्या कहते हैं ग्रोथ प्रोटेक्टर। इंपॉर्टेंट है, तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रहें, हर हाल में याद रहें इन बच्चों को। एक एक पेपर में पूछ लेते हैं, पाइरोल का काम क्या है, प्रोथिंग एजेंट है, सोडियम इथाइल जेंथेट्स क्या है, कलेक्टिंग एजेंट है, क्रिसोल एनिलीन क्या है, प्रोथ स्टेबलाइजर। क्लियर सी, आगे देखिए हम पढ़ रहे थे प्रोथ फ्लोटेशन मेथड। जब आप प्रोथ फ्लोटेशन मेथड की बात करते हो तो बच्चा कहता है सर यू बताओ, यदि कहीं पर ऐसा हो कि आपने ये असेंबली बनाई, ये असेंबली आपने बनाई थी और ये आपने सस्पेंशन ऑफ फोर बनाया, ये सस्पेंशन ऑफ फोर बनाया था, सस्पेंशन ऑफ फोर बनाया, जब आपने सस्पेंशन ऑफ फोर बनाया तो उस ओर में जो इम्प्योरिटी थी वो नीचे रह गई, ओर के पार्टिकल्स ऊपर उठ के आ गए। लेकिन सर यदि ऐसा हो जाए कहीं पर भी, कहीं पर ऐसा हो जाए कि जो ओर के पार्टिकल्स थे वो ओर के पार्टिकल्स तो सारे के सारे जो ओर थे, ओर के दो पार्टिकल्स हो जाएं, सल्फाइड ओर रिलीज होती है तो दो सल्फाइड ओर एक साथ आ जाए, सस्पेंशन ऑफ ओर के अंदर दो सल्फाइड ओर, पीपीएस भी हो और जेडएस भी, दो सल्फाइड ओर एक साथ आ जाए, मान लो पीपीएस भी आ गया और जेडएस भी आ गया, उस केस में सर कैसे सेपरेट करें आप। तो बच्चों यदि दो सल्फाइड और एक साथ आते हैं, इफ देयर आर प्रेजेंट टू सल्फाइड ओर्स देयर आर प्रेजेंट टू सल्फाइड ओर्स, एक क्या हो गया पीपीएस और दूसरा क्या हो गया जेडएनएस। उस केस में यदि आप सिंपल प्रोसेस करोगे, एक बीपीएस की और जेडएनएस की आप सिंपल प्रोसेस यदि आप करोगे उस केस के अंदर, तो उस केस में आपके पास क्या होगा बच्चों, उस केस में दोनों के आपके पास प्रोथ बनेंगे, जब प्रोथ दोनों के बन जाएंगे तो उस केस में आपके पास क्या होगा, उस केस में आपके पास दोनों प्रोथ बन जाएंगे, फिर आप सेपरेट नहीं कर पाओगे, जब सेपरेट नहीं कर पाओगे तो उस केस में आप क्या यूज करते हो, एक डिप्रेशन यूज करते हो। इफ देयर आर प्रेजेंट टू सल्फाइड ओर्स पीपीएस एंड जेडएनएस, फॉर एग्जांपल इफ देयर आर प्रेजेंट टू सल्फाइड ओर्स एग्जाम्पल पीपीएस एंड एनएस, then we use a depressant, तब हम एक depressant यूज करते हैं और उसका नाम क्या है एनिसिन। अब बच्चा कह रहा है depressant सर, तो वह depressant जो है, depressant क्या काम करता है, depressant एक सल्फाइड ओर को ओर बनाने से रोकता है, depressant combine with one sulfide ore and prevent it from forming froth, एक के साथ combine होता है उसको जार बनाने से रोकता है। कैसे,
जैसे एग्जांपल के लिए यदि हम देखें इसके अंदर, तो यदि हम PbS और ZnS के मिक्सचर के अंदर PbS प्लस ZnS यदि है सल्फाइड ओर, उस मिक्सचर के अंदर जब हमने उसके अंदर लिया प्रोसेस के अंदर टैंक के अंदर लिया, उसके अंदर हम यदि NaCl डाल दें, NaCl का काम क्या है, NaCl इज डिप्रेशन, तो ये डिप्रेशन जो है ये डिप्रेशन इस ZnS के S के साथ कंबाइन हो जाता है, कंबाइन विद ZnS NaCl कंबाइन होता है, इसके साथ कंबाइन होकर क्या आता है Na2ZnCl4 प्लस Na2S। ये इसके साथ कंबाइन होता है, जिंक सल्फाइड के साथ डिप्रेशन कंबाइन होकर ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है, और जब ये कॉम्प्लेक्स बनाया तो ये कॉम्प्लेक्स का जो है वो फ्रोथ नहीं बन पाता है, केवल और केवल फ्रोथ किसका बनेगा, PbS की फ्रोथ बनेगी, और इस तरह से आप इसको सेपरेट करो। क्लियर है सभी को? ये बच्चों आपके पास फोर्थ मेथड था कंसंट्रेशन ऑफ ओर का, फोर्थ मेथड है कंसंट्रेशन ऑफ ओर का, जिसके अंदर हमने पढ़ा है क्या, फ्रोथ रोटेशन मेथड। बहुत चीजें हैं जो याद करने की है, लैक्टिंग एजेंट क्या होते हैं, फ्रोथिंग एजेंट्स क्या होते हैं, स्टेबलाइजर्स क्या होते हैं, डिप्रेशन का क्या काम है, कब डिप्रेशन यूज होता है और किसके लिए यूज होती है, प्रोथ रोटेशन सल्फाइड ओर के लिए होती है, मैकेनिज्म इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है डिप्रेशन वेटिंग। तो ये आपके पास फोर्थ प्रोसेस थी। अब अगली प्रोसेस देखिए कंसंट्रेशन ओर की, तो अगली जो प्रोसेस है कंसंट्रेशन ओर की दैट इज लीचिंग। कंसंट्रेशन ओर की जो फिफ्थ प्रोसेस है, लास्ट प्रोसेस जो है कंसंट्रेशन ओर लास्ट जो प्रोसेस है वो है लीचिंग। ये भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लीचिंग के मेथड, कंसंट्रेशन ओर का जो लास्ट मेथड है दैट इज लीचिंग। और यदि आप लीचिंग की बात करें कि भाई लीचिंग क्या है, तो लीचिंग इज ए केमिकल मेथड, इज ए केमिकल मेथड, केमिकल मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर के कंसंट्रेशन का केमिकल मेथड है लीचिंग, केमिकल मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ओर, जो ओर के पार्टिकल्स हैं उनके कंसंट्रेट करने का केमिकल जो मेथड है उसको हम क्या कहते हैं, लीचिंग। क्या करते हैं इस लीचिंग के अंदर, इन द प्रोसेस ऑफ लीचिंग, इन द प्रोसेस ऑफ लीचिंग, प्रोसेस ऑफ लीचिंग वी ट्रीट द ओर पार्टिकल्स और कैसा था, इम्प्योर, वी ट्रीट इम्प्योर ओर पार्टिकल्स विद ए सुटेबल केमिकल रिएजेंट सो डेट द ओर पार्टिकल्स डिजोल्व्स टू फॉर्म सोल्युबल कंपाउंड सोल्युबल कॉम्प्लेक्स वाइल impurities remains insoluble। देखो बच्चों लीचिंग का प्रिंसिपल को समझना बहुत जरूरी है, इस लेवल से यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ, उस लेवल से आप पढ़ लोगे तो उसकी कुछ बातें भी यदि याद रह जाएंगी 20 जैसे एग्जाम में कोई चिंता नहीं। लीचिंग केमिकल मेथड है कंसंट्रेशन ऑफ ओर का। इन द प्रोसेस ऑफ लीचिंग वी ट्रीट द इंप्योर ओर पार्टिकल्स विद ए सुटेबल केमिकल रिएजेंट सो दैट द ओर पार्टिकल्स डिजोल्व टू फॉर्म सोल्युबल कॉम्प्लेक्स व्हाइल इंप्योरिटीज रिमेंस इनसोल्युबल। और के जो पार्टिकल्स थे वो तो क्या मानेंगे, सोल्युबल कॉम्प्लेक्स मानेंगे, और जो इंप्योरिटी है वो क्या रह जाएंगी, इनसोल्युबल रह जाएंगी। यदि इस प्रोसेस को मैं प्रैक्टिकल वे से जोड़ने की कोशिश करूं तो प्रैक्टिकल वे से मैं इसको ऐसे जोड़ सकता हूं, हम चाय बनाते हैं, आपको ये बात समझ में आएगी, हम चाय बनाते हैं, जब चाय बनाते हैं उस चाय के अंदर क्या क्या डालते हैं, पानी, दूध, चीनी और चाय पत्ती, बोलो भाई चाय पत्ती। अब ये सारी चीज़ें डाली गई तो उसके बाद क्या होगी, चाय तैयार होगी। अब ये डिजोल्व हो गया, ये डिजोल्व हो गया, ये डिजोल्व होगी,
चाय पत्ती क्या रहेगी, 300 रुपए रहेगी। अब क्या करते हैं, यदि हमें सेपरेट करनी है इससे तो क्या करें, उसको हम फिल्टर कर लें। कुछ ऐसा ही यहाँ पर होता है, छान लेते हैं, कुछ ऐसा ही यहाँ पर होता है, यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। इस प्रोसेस में क्या करते हैं, इस प्रोसेस के अंदर ओर के पार्टिकल्स, इम्प्योर ओर के पार्टिकल्स थे जिसमें इम्प्योरिटी भी थी और भी थे, उसको हम एक सुटेबल केमिकल रिएजेंट से रिएक्ट करवा देते हैं। और जब हम सुटेबल केमिकल रिएजेंट से रिएक्ट करवाते हैं तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, सुटेबल केमिकल रिएजेंट से रिएक्ट करवाते हैं तो उस केस में हमारे पास क्या होता है कि जो ओर के पार्टिकल्स थे वो सोल्युबल बना देते हैं और इम्प्योरिटी क्या रह जाती है, इनसोल्युबल। तो इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं, अब इसके एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, आते हैं एग्जाम्पल्स। लीचिंग के बारे में सबसे पहली बात आपको जो पता हो वो एक केमिकल मेथड है। एग्जाम्पल्स की बात करें लीचिंग के अंदर हम, कि भैया एग्जाम्पल्स क्या क्या है हमारे पास, तो हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर वन, लीचिंग ऑफ एलुमिना क्रोम बॉक्साइड। बॉक्साइड आपने पढ़ा था, एल्युमिनियम का और कौन सा है, बॉक्साइड। बॉक्साइड एल्युमिनियम का ओर है। अब बच्चों ओर ऑफ एल्युमिनियम क्या है, ओर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड, बॉक्साइड। अब बॉक्साइड के, बॉक्साइड जो ओर है उसके अंदर बॉक्साइड ओर, बॉक्साइड ओर कंटेन्स इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज लाइक बॉक्साइड ओर के अंदर इम्प्योरिटीज होती है। कौन कौन सी इंप्योरिटी होती है, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड कोमा टाइटेनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड एंड सिलिका। सिलिका मतलब अब तीन चार चीजें, तीन चीज़, अब हम पढ़ रहे क्या है, लीचिंग ऑफ एल्युमिना फ्रॉम बॉक्साइड ओर पढ़ रहे हैं। अब सबसे पहली बात यह है कि ओर ऑफ एल्युमिनियम क्या है, बॉक्साइड। अब ऑक्साइड ओर के अंदर एक तो ओर के पार्टिकल्स होगी, एल्युमिनियम पार्टिकल्स होगी, दूसरी उसके अंदर इंप्योरिटी होगी, क्या क्या, फेरिक ऑक्साइड, याद रखें फेरिक ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड और सिलिका। अब वी ट्रीट द बॉक्साइड ओर, वी ट्रीट द बॉक्साइड ओर, बॉक्साइड ओर विद NaOH, NaOH ये केमिकल हो गया, ये क्या आपके पास क्या हो गया, केमिकल। जब हम बॉक्साइड ओर को एल्युमिनियम के साथ ट्रीट करेंगे, वी ट्रीट द बॉक्साइड ओर विद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के साथ ट्रीट करेंगे तो आपके पास क्या होगा बच्चों, द एल्युमिनियम, व्हेन वी ट्रीट द, वी ट्रीट द बॉक्साइड ओर विद एल्युमिनियम विद NaOH, NaOH ये केमिकल। अब ट्रीट करोगे तो ट्रीट करने के बाद क्या होगा, द एल्युमिना डिजोल्स इन NaOH फॉर्मिंग, इंपॉर्टेंट भाई, फॉर्मिंग सोडियम एल्युमिनेट। ये सोडियम एल्युमिनेट बनाएगा, ये आपके पास क्या बनाएगा, इसके अंदर सोडियम एल्युमिनेट बनाएगा। और दूसरा बच्चों क्या है, वाइल फेरिक ऑक्साइड डिजोल्स फेरिक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम ऑक्साइड TiO2 रिमेंस इनसोल्युबल रहेगी। सिलिका डिजोल्स एज सोडियम सिलिकेट। बच्चों बहुत अच्छी चीजें निकल के आ गई यहाँ से, आप देखें एक बार इसको, हम थोड़ा समझने की कोशिश करें। हमारे पास जब लीचिंग करने लगे हम, तो लीचिंग एक केमिकल मेथड है इम्प्योरिटी को रिमूव करने का और के पार्टिकल्स के अंदर से। हमने एग्जांपल पढ़ा है और जो एग्जांपल हमारे पास है वो क्या है, लीचिंग ऑफ एलुमिना फ्रॉम बॉक्साइट ओर। हम बॉक्साइट ओर से लीचिंग करना चाह रहे हैं एलुमिना की, कैसे करें, ओर ऑफ एल्युमिनियम बॉक्साइट होता है। अब बॉक्साइट ओर के अंदर एल्युमिनियम के तो ओर ही है, साथ साथ उसके अंदर क्या है, इम्प्योरिटी कौन कौन सी, फेरिक ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड और सी। अब लीचिंग करना था तो लीचिंग में किसी केमिकल रिएक्शन रिएक्ट किया जाता है, तो हमने इसको रिएक्ट किया, वी ट्रीट द बॉक्साइट ओर विद NaOH।
एनएचओ3 कर दिया, उसमें क्या हुआ, जो एलुमिना था, जो ओर था, वो डिसॉल्व हो गया इन NaOH, फॉर्मिंग सोडियम एल्युमिनेट, सोडियम एल्युमिनेट हो गया। ये तो ओर के पार्टिकल्स की बात होगी। अब बात आई इंप्योरिटी पार्टिकल्स की, तो इंप्योरिटी कौन कौन सी थी, इंप्योरिटी थी फेरिक ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, ये दोनों की दोनों क्या रहेगी, इनसोल्युबल रहेगी। और क्या बचा आपके पास, सिलिका, फेरिक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम ऑक्साइड रिमेंस इनसोल्युबल, सिलिका डिसॉल्व्स एज सोडियम सिलिकेट, ये सिलिका कैसे रह गया, सोडियम सिलिकेट। अब एक सॉल्यूशन बन गया जिसमें दो तो इंप्योरिटी इनसोल्युबल रहेगी और दो क्या हो, दो इंप्योरिटी तो इनसोल्युबल रहेगी, एक इंप्योरिटी डिसॉल्व। अब क्या कर लें, फिल्टर द सॉल्यूशन, वी फिल्टर द सॉल्यूशन, हम सॉल्यूशन को क्या कर लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं। अब सॉल्यूशन को यदि हमने फिल्टर कर लिया इस स्टेज के ऊपर, तो इनसोल्युबल पार्टिकल्स तो रिमूव हो जाएंगे, तो जो सॉल्यूशन बचा उस सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या रहेगा आपके पास, अब फिल्टर होने के बाद उस सॉल्यूशन बचा उसमें क्या क्या रहेगा, उसमें एक तो रहेगा क्या, सोडियम एल्युमिनेट, एल्युमिनेट, और दूसरा क्या रहेगा आपके पास उसके अंदर, दूसरा उसके अंदर रहेगा सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट। अब दो चीजें रिमूव हो चुकी भाई, दो चीजें रिमूव हो चुकी, फेरिक ऑक्साइड रिमूव हो चुका, टाइटेनियम ऑक्साइड रिमूव हो चुका। अब हमें तो प्योर चाहिए और हमें तो और को प्योरीफाई करना है, कंसंट्रेट करना है हमें तो और को, तो उसके अंदर हम क्या करें, इससे आगे की बात के अंदर, जब आपके पास सोडियम एल्युमिनेट और सोडियम सिलिकेट बच गए, तो हम इससे आगे चले तो आगे क्या करें, हम इसके बाद रिएक्शन क्या क्या हो चुकी, जो एलुमिना था Al2O3 था O2H2, वो आपके पास NaOH से रिएक्ट किया, वाटर मीडियम था H2O के साथ, H2O उसने क्या बना दिया आपके पास, उसने बना दिया NaAlOH4, NaOH4, यानी ये क्या बन गया, ये बन गया आपके पास सोडियम एल्युमिनेट, और दूसरा आपके पास क्या था, SiO2 प्लस 2NaOH, ये सिलिका था, सिलिका के साथ रिएक्ट किया और ये रिएक्ट करके क्या बन गया, Na2SiO3 प्लस H2O, ये आपके पास क्या बन गया, सोडियम सिलिकेट। अब हमें सोडियम सिलिकेट को रिमूव करना है, फिल्टर कर चुके, सोडियम सिलिकेट बच गया, आपके पास सोडियम एल्युमिनेट आ गया, तो हमें सोडियम सिलिकेट को रिमूव करना है, इसको हमने फिल्टर कर लिया, फिल्टर करने के बाद केवल क्या बचा आपके पास, सोडियम एल्युमिनेट बचा और सोडियम सिलिकेट बचा। अब जो फिल्ट्रेट है, जो ये फिल्ट्रेट आया, ये जो फिल्ट्रेट आया, इस फिल्ट्रेट को द फिल्ट्रेट इज न्यूट्रलाइज्ड बाई पासिंग, जो फिल्ट्रेट है उसको हमने न्यूट्रलाइज कर दिया, कैसे न्यूट्रलाइज किया, फिल्ट्रेट इज न्यूट्रलाइज्ड बाई पासिंग CO2 गैस द हाइड्रेटेड Al2O3 गैस precipitated, हाइड्रेटेड Al2O3 जो है वो प्रिसिपिटेट हो गया, जब हमने इस फिल्ट्रेट के अंदर से CO2 गैस पास करी, तो CO2 गैस जब पास करी तो इसके अंदर क्या हुआ, 2NaAlOH4 था भाई ये, इसके अंदर से जब CO2 पास करी तो ये आपके पास क्या हो गया, Al2O3 2XH2 प्लस 2NaHCO, ये आपके पास हाइड्रेटेड एलुमिना हो गया, भीगा हुआ एलुमिना हो गया, जो कि वाटर मॉलिक्यूल है, एक्स वाटर मॉलिक्यूल है, इसके साथ वाटर क्रिस्टलाइज। अब फिल्ट्रेट के अंदर दो चीजें थी, ध्यान देखो, फिल्ट्रेट में दो चीजें थी, सोडियम एल्युमिनेट था, सोडियम सिलिकेट था, सोडियम जो एल्युमिनेट था उसकी प्रिसिपिटेट बन चुकी, उसके क्या बन चुके, प्रिसिपिटेट बन चुके, जब प्रिसिपिटेट बन चुके तो उसको दोबारा से क्या कर लेंगे, इसको फिल्टर कर लें दोबारा से, जब फिल्टर किया तो फिल्टर करने के बाद आपके पास क्या बन गया, हाइड्रेटेड Al2O3.SH2 बन गया, हाइड्रेटेड Al2O3.SH2 बच गया। अब जो हाइड्रेटेड Al2O3.SH2 बन गया, Al2O3.SH2 बन गया, उसको हम हीट करें ड्राई एंड हीट, जब ड्राई करें हीट करें उसको, तो वो हमारे पास क्या देता है, हमें
Al2O3 देता है प्लस H2O देता है, यह आपके पास एलुमिना बन गया, एलुमिना बन गया, यह आपने लीचिंग कर दी, ऑक्साइड होती, सारी प्योरिटी रिमूव होगी, आपको प्योर क्या मिल गया, एलुमिना बन गया और के पार्टिकल्स बन गए Al2O3। तो ये सारे मेथड्स थे कंसंट्रेशन ऑफ ओर के, ये सारे के सारे मेथड्स हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर के जो हमने पढ़े, पांच मेथड हमने पढ़े कंसंट्रेशन ऑफ ओर के। पहला मेथड हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ओर की जब हम बात कर रहे थे तो फर्स्ट मेथड जो हमारे पास था वो मेथड था हैंड पिकिंग, दूसरा था ग्रेविटी सेपरेशन, तीसरा था मैग्नेटिक सेपरेशन, चौथा था क्रॉस फ्लोटेशन और पांचवा था लीचिंग। लास्ट तीन मेथड इंपॉर्टेंट है, नाम तो सबके पता होंगे, लास्ट तीन मेथड इंपॉर्टेंट। ये हमने फर्स्ट स्टेप मेटलर्जी का कर लिया, मेटलर्जी का फर्स्ट स्टेप हमने पढ़ लिया है, मेटलर्जी का फर्स्ट स्टेप हमारे पास यही है और वो हमने मेटलर्जी के वेरी स्टेप्स आपको जो पढ़ाने की कोशिश की थी तो उसमें मैंने आपको कहा था, उस स्टेप्स के अंदर हमने आपको कहा था अर्जुन कि फर्स्ट स्टेप होता है कंसंट्रेशन ऑफ, कंसंट्रेशन ऑफ ये स्टेप हमारा हो चुका। अब हमें सेकंड स्टेप करना है टू ऑब्टेन इम्प्योर मेटल, इम्प्योर मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर, फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर, कंसंट्रेटेड ओर से इम्प्योर मेटल ऑब्टेन करना है। अगला जो लेक्चर होगा वो तो उसके अंदर हम यही बताएंगे आपको कि हम इम्प्योर मेटल को कैसे ऑब्टेन करते हैं कंसंट्रेटेड ओर की। तब तक आप लोग पढ़ते रहें, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें लेकिन अच्छा पढ़ते रहें। ये नोट्स को आप बड़े अच्छे से अपने नोट्स बना लें, नोट्स बना कर मेरे पास भेजते भी रहें, उससे पता रहता है कि बच्चा पढ़ रहा है और किसी दूसरे के लिए तो पढ़ ही नहीं रहे, अपने लिए ही पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट बात है जो भी काम या करना हो अपने लिए करना हो उसके अंदर 100% ताकत लगा देनी चाहिए, तो सारे के सारे अपनी 100% ताकत लगा देंगे। ये निश्चित रहें आपका जब पेपर होगा टेस्ट होगा तो जो किस टाइप सिलेबस है उसका, हो सकता है बीच में एक दो दिन लेक्चर ना डाले जाते हैं, प्लस टू के पेपर, प्लस टू के टेस्ट चल रहे हैं, प्लस वन भी आई है, बड़ा बड़ा डर सा होता है इन चीज़ों में ना। तो आपके पास जब आपका टेस्ट होगा उससे पहले 100% मेटेरियल आपके पास पहुँचेगा और लेक्चर्स की फॉर्म में पहुँचेगा। तो आप लोग इन सबको पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।